गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट। पेगासस जासूसी मामले पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी दलों के हंगामे के कारण कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर सरकार को घेरने और दबाव बनाने की रणनीति पर चर्चा के लिए मंगलवार यानी कि आज सुबह 11 बजे बैठक बुलाई। बता दें कि राहुल गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मंगलवार सुबह विपक्षी नेताओं को नाश्ते पर आमंत्रित किया था। अब इस चाय नाश्ते के आमंत्रण में ऐसी कौन सी खिचड़ी पकाई जा रही है, उसके लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पेगासस जासूसी मामले पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी दलों के हंगामे के कारण कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर सरकार को घेरने और दबाव बनाने की रणनीति पर चर्चा के लिए मंगलवार यानी आज सुबह 11 बजे बैठक बुलाई। बता दें, राहुल गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मंगलवार सुबह विपक्षी नेताओं को नाश्ते पर आमंत्रित किया था। आपको बता दें, राहुल गांधी की चाय पार्टी के बाद बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास किया गया। वहीं राहुल गांधी समेत अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता व दूसरे दलों के सांसद भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से संसद तक साइकिल से गए। इसमें शिवसेना, राजद, वाम दलों, तृणमूल कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया, जिसमें कुल 14 दलों के नेता पहुंचे, लेकिन आम आदमी पार्टी और बसपा इस बैठक में शामिल नहीं हुए। बहरहाल, विपक्षी नेताओं के साथ बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एकजुट हो जाएं। यह आवाज जितनी एकजुट होगी उतनी ही शक्तिशाली होगी और भाजपा आरएसएस के लिए इसे दबाना उतना ही मुश्किल होगा। इन सब के बीच बीजेपी संसदीय दल की भी बैठक हुई, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। वहीं उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं हैं और संसद में गतिरोध पैदा कर संसद का अपमान किया जा रहा है। इससे पहले सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि अब समय आ चुका है जब सरकार के कामों को ना सिर्फ आम जन तक पहुंचाया जाए बल्कि कांग्रेस को भी एक्सपोज किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।